अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सलीमुल्ला। आज आपसे ज़ोन्स के हवाले से जो प्रोटेक्शन की पॉलिसीज हैं और जो इक्विपमेंट जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स को इस्तेमाल करना होता है और फिल्टर क्लिनिक के हवाले से कुछ बातचीत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ अब्बासी शहीद के तमाम डॉक्टर्स, अब्बासी शहीद की इंतज़ामिया, अब्बासी शहीद के तमाम पैरा मेडिकल स्टाफ और तमाम जेनिटोरियल स्टाफ की सर्विसेज को, जो इस मुश्किल वक्त में अपनी पूरी तवज्जो तनदेही के साथ अपनी कोशिशें कर रहा है इन नामसायद हालात और कम सहूलियात होने के बावजूद। ये फिल्टर क्लिनिक अब्बासी शहीद में इंतजामिया, मेडिकल फैकल्टी और होप्स के तआवुन से हमने शुरू किया था और बहुत दिनों से हम ये कोशिश कर रहे थे कि फिल्टर क्लिनिक के काम को जितना बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, उसके अंदर जो जो बेहतरी लाई जा सकती है। यकीनन देखें, ये कोविड के हवाले से जो भी चीज़ें हैं, हम सब इसमें लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। किसी को भी पहले से इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी और न ही हमें इस किस्म की कोई ट्रेनिंग है। चीज़ों को बेहतर करना और मुसलसल उसके अंदर कोशिश करते रहना, ये एक फर्द की जिम्मेदारी है और हम भी कोशिश करते रहे कि वक्तन फवक्तन जितनी इम्प्रूवमेंट उसके अंदर लाई जा सके उसको लेके आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहूँगा फिल्टर क्लिनिक की अहमियत के बारे में। फिल्टर क्लिनिक का बुनियादी मकसद सबसे पहले यकीन ये है कि हम फिल्टर क्लिनिक में पेशेंट को स्क्रीन करें, अगर कोई एट रिस्क पेशेंट है तो उसको आइडेंटिफाई करें और उसको मुनासिब हिदायात के साथ रवाना करें। साथ ही साथ जो सबसे अहम जुज है इसका, वो ये है कि अब्बासी शहीद जो कि एक नॉन कोविड साइट है, उसमें मरीजों को दाखिले के लिए, मरीजों को इलाज के लिए सहूलत जारी रहनी चाहिए और ये उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल रख सकेंगे। ज़रूरत यह है कि हम फिल्टर क्लिनिक से पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करें जो कि सेफ हैं, जिनको अस्पताल में दाखिल किया जा सकता है, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा सकता है। फिल्टर क्लिनिक की अहमियत का मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी अभी मिसाल देता हूँ। अभी हमारे इमाम क्लिनिक में बावजूद इसके एक फिल्टर क्लिनिक है, लेकिन स्लाइट इनएफिशिएंसी की वजह से एक मरीज दाखिल हो गया जो कि अल्टीमेटली कोविड पॉजिटिव निकल आया। उन्होंने तवज्जो इस वजह से ज्यादा नहीं दी उस वक्त कि उसके पास कोविड नेगेटिव का टेस्ट था और उसके सिम्टम्स के बारे में उन्होंने इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी, हालांकि वो बहुत क्लियर बुखार, खांसी और सीने की शिकायत के साथ था और वहीं पे आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए था। नतीजतन मरीज दाखिल हो गया, बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग पॉजिटिव भी आए और मैं भी इस वक्त इसी वजह से क्वारंटीन में हूँ और ये सारी बात जो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ क्वारंटीन में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अगर किसी ने अच्छी तरीके से उसके सवाल पूछे होते तो यकीनन वो मरीज वहाँ दाखिल नहीं होता और बहुत सारे लोग परेशानी से बच जाते। तो हमारा मकसद यही है कि इस फिल्टर क्लिनिक के अंदर अच्छे तरीके से अगर पेशेंट के सिम्टम्स को असेस किया जाए, अगर उसके बुखार को देखा जाए और अगर उनमें से चीजें ठीक हैं तो फिर मरीज को आगे तक जाने दिया जाए। अब अब्बास शहीद को बाकी तमाम जगहों की गाइडलाइंस के हवाले से हमने तीन जोन्स में तकसीम किया है। ग्रीन जोन है, एम्बर जोन है और रेड जोन है। और इन जोन्स की अहमियत इसलिए भी होती है कि आपकी जो प्रोटेक्शन की पॉलिसीज हैं और जो इक्विपमेंट जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स को इस्तेमाल करना होता है वो अपने जोन्स के हवाले से, अपने रिस्क के हवाले से होता है, तो इसलिए आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी होता है। ग्रीन जोन वो है जहाँ पे लो रिस्क होता है, जहाँ पे या तो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज है, जहाँ पे पेशेंट केयर नहीं होता है, या वो पेशेंट जो के क्लियर हो चुके हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि उनको सिम्टम्स कोविड रिलेटेड सिम्टम्स नहीं है, वहां पे एक्सपोजर का बहुत कम रिस्क होता है। ग्रीन एरिया की स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो होती हैं, जहाँ पे फ्लूइड रेजिस्टेंट सर्जिकल मास्क होना जरूरी है और आई प्रोटेक्शन अगर विद इन 2 मीटर है पेशेंट के, अगर 2 मीटर के अंदर नहीं है तो सर्जिकल मास्क से काम चल जाता है। इसके अलावा फिर एक एम्बर जोन होता है, ये वो जोन होता है जहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है पेशेंट्स की और जहाँ पे अभी आप क्लियर नहीं है कि पेशेंट्स को
सिम्टम्स जो हैं या उनके अलामत जो हैं वो कोविड रिलेटेड अलामत हैं या नहीं है, और यहाँ पे पेशेंट्स को इनिशियल असेस किया जाता है, जैसे कि ईआर हुआ या फिल्टर क्लिनिक हुआ या ओपीडी के बाहर के असेसमेंट एरियाज हुए। यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है क्योंकि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए वो होते हैं कि कौन से पेशेंट्स हैं और उनके अंदर कितने किस्म का रिस्क मौजूद है। यहाँ पे पीपीई की रिक्वायरमेंट में बेसिकली एक एप्रन जरूरी होता है, फ्लूइड रेसिस्टेंट सर्जिकल मास्क चाहिए होता है, आई प्रोटेक्शन और ग्लव्स होने बहुत, ये चीजें बेसिकली एम्बर एरिया के लिए जरूरी होती है। रेड जोन इसके मुकाबले में वो एरियाज हैं जहाँ पे डायग्नोज पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और अगरचे अभी तक हम चूंकि कोविड पॉजिटिव साइड नहीं है इसलिए हमारे पास कोई क्लियर रेड जोन नहीं है, लेकिन अब चूंकि ऐसे मरीज हो सकता है कि वहां पे आए जिनको कोविड स्टेटस अभी पता नहीं है लेकिन उनको अलामत है, तो उनको फर्स्ट एड देने के लिए अगर जरूरत पड़ती है, उनको रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है, तो कैजुअलिटी के एक एरिया को रेड जोन डेजिग्नेट किया गया है ताकि उसमें ऐसे मरीज जिनके अंदर सस्पिशन ज्यादा है और उनके ट्रांसफर तक उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए एक एरिया रेड जोन का क्रिएट किया गया है, और बेसिकली यहाँ पे रहने वाले लोगों को ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, फुल पीपीए प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ताकि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके। रेड जोन के अंदर जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे होंगे उनके लिए जरूरी है कि वो फ्लूइड रेजिस्टेंट गाउन्स पहने जो कि प्रोवाइड किए जाएंगे वहां पे। रिकमेंडेशन है कि FFP3 मास्क होना चाहिए, लेकिन FFP3 मास्क अनफॉर्चुनेटली चूंकि अवेलेबल नहीं है, FFP2 मास्क उसकी जगह यूज हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पर और उनकी हिफाजत मोर और लेस उतनी ही है जितनी की FFP3 की है। आई शील्ड होना बहुत जरूरी है, आई प्रोटेक्शन, आई शील्ड और ग्लव्स बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली इन जगहों का चूंकि कंटेमिनेशन बहुत होती है तो इनकी रेगुलर क्लीनिंग होना बहुत जरूरी होती है, इनकी सर्फेसिस की, इनकी वॉल्स की रेगुलर क्लीनिंग होना जरूरी होती है ताकि कोई कंटेमिनेटेड एरियाज ना हो। अच्छा, अब तरीका कार जो फिल्टर क्लिनिक का है बेसिकली कि जो अभी अब्बासी शहीद आता है तमाम वो फिल्टर क्लिनिक से गुजरना चाहिए। अभी तक जो प्रॉब्लम हमें पेश आ रही है सबसे ज्यादा ये कि फिल्टर क्लिनिक से बहुत सारे लोग बाईपास हो जाते हैं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इस निजाम को और बेहतर बनाया जा सके। हमारी फिल्टर क्लिनिक के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉलिसी ये है कि प्रॉपर केयर और विजिलेंस होनी चाहिए नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए, सो दैट द हेल्थ केयर सिस्टम इन कराची डजंट कोलैप्स बाय कीपिंग आवर डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स सेफ फ्रॉम कोविड। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि पेशेंट्स को भी सर्विसेज मिलती रहे लेकिन हमारे डॉक्टर्स और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ अननेसेसरी एक्सपोज नहीं हो। तो फिल्टर क्लिनिक एक बहुत मेजर इम्पोर्टेंट एरिया है टू मेक श्योर के पेशेंट्स को प्रॉपरली स्क्रीन कर लिया जाए और किसी रिस्की पेशेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया जाए। अब्बासी में हमने फिल्टर क्लिनिक ईआर के बाहर बनाया हुआ है, वहां पे फैसिलिटीज हैं मौजूद, सैनिटाइजेशन की भी, लोगों को प्रॉपर प्रोटेक्टिव मास्क भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वहां पे कोशिश की जाती है कि हर पेशेंट को स्क्रीन किया जाए। सबसे पहला काम यह है कि कोई भी वहां पे आता है अपनी पर्ची बनवाएगा, फिल्टर क्लिनिक पे आएगा, उसके बाद उसका वहां पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद उसका एक स्क्रीनिंग फॉर्म फिल किया जाता है। इस स्क्रीनिंग फॉर्म के अंदर कुछ सवाल हैं जिसके वो जवाब देगा। इसके सेलियंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बुखार के बारे में, उसके सोर थ्रोट के बारे में, खांसी के बारे में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बारे में, कोई फ्लू लाइक इलनेस और माइल्जियस, ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो कि कोविड के हवाले से देखे गए हैं ज्यादा कॉमनली। यहाँ पे ये चीज अहम है कि देखे इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट ये सिम्टम्स मालूम होना बहुत जरूरी होता है, ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट के बारे में आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं कि कोई क्लोज कॉन्टैक्ट है किसी का लेबोरेटरी कंफर्म केसेस के साथ, कोई हेल्थ केयर वर्कर है जिसने कोविड पेशेंट के साथ काम किया हो, या किसी ने रिसेंटली लार्ज गैदरिंग जो कि इनिशियली हमारे यहाँ जो वजह बनी थी जैसे कि तबलीगी जमात के जमात थे तो कोई लार्ज गैदरिंग अगर अटेंड किया है, कोई वेडिंग है जो कि ऑब्वियसली अब तो रिसेंटली उसके ऊपर पाबंदियां लग गई हैं लेकिन ये चीजें पूछना जरूरी है। अब एक दफा जब आपने ये क्वेश्चनेयर फिल कर लिया तो उसकी बेसिस के ऊपर आप उसको स्कोर देंगे।
और इस स्कोर के ऊपर अगर आपको लगता है कि वो लो रिस्क है, तो नॉन कोविड अगर आपको लगता है तो उनको आप एक पास प्रोवाइड करेंगे। इस पास की शक्ल भी आपको हम दिखाते हैं, ये पास है, ये पास जो है 24 घंटे तक वैलिड रहेगा, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ये पास पेशेंट ले जाके अंदर कैजुअलिटी में देगा, अगर इस पास के साथ वो अंदर जाएगा तभी उसको अटेंड किया जाएगा। अगर पेशेंट रिस्क आपको ज्यादा लगता है और वो आपके रेफरल क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, अगर उसके रिस्क पॉइंट्स जो है वो हाई आ रहे हैं, तो उसको आप एक रेफरल फॉर्म फिल करके उसके हवाले कर देंगे। रेफरल फॉर्म की शक्ल भी दिखाते हैं आपको, रेफरल फॉर्म इस शक्ल का है, इसमें पेशेंट का रिस्क है, असेसमेंट हुई है, और उसके बाद इस फॉर्म के नीचे जो कोविड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है ये दी गई है, फोकल पर्सन का नंबर है WHO के, SIUT के नंबर है, जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर का नंबर है, इंडस हॉस्पिटल का नंबर है, और कोरोना वायरस के कंट्रोल रूम का नंबर है। ये लेके आपने उसको ये एडवाइस करना है, इन लोगों से कॉन्टेक्ट करना है ताकि वो अप्रोप्रिएट फैसिलिटी के अंदर जाए। वो लोग जिनको आप समझते हैं कि रिस्क है लेकिन अभी वो सिम्टोमेटिक नहीं है, तो उनके लिए एक ऑप्शन ये होता है कि वो घर पे अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करें। अगर आपको लगता है कि पेशेंट इतना समझदार है कि वो सेल्फ क्वारंटीन में जा सकता है और आपको लगता है कि उसको कोविड रिस्क है, तो उसको आप सेल्फ क्वारंटीन के लिए रेफर करेंगे और उसको एक इंस्ट्रक्शन देंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको एडवाइस करनी है। और ये होम क्वारंटीन की इंस्ट्रक्शन है जो कि उर्दू इंग्लिश दोनों में है, ये उसको आपने देनी है। इसके साथ उसको आपने एडवाइस करना है कि वो अपने आप को एक हफ्ते के लिए क्वारंटीन करे। इस दौरान में अल्लाह ना करे अगर उसके सिम्टम्स खराब होते हुए नजर आते हैं तो उसके पास राबते के लिए नंबर होने चाहिए ताकि वो अप्रोप्रिएट कोविड फैसिलिटी में पहुंच सके। अच्छा, ये तो वर्किंग है। मैं ये चाहता हूँ कि फिल्टर क्लिनिक की वर्किंग को अगर हम बेहतर कर सकें तो उसका फायदा सबको होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस फिल्टर क्लिनिक की एफिशिएंसी को आप लोग ही बेहतर कर सकते हैं। जितना अच्छे तरीके से फिल्टर क्लिनिक चलेगा उससे आपका रिस्क भी कम होगा और आपके कुलीग से रिस्क भी कम होगा। बेसिकली देखें, इस बीमारी के अंदर मैं जब आप कोई भी अच्छा काम करूंगा तो मैं अपने आप को भी बचा रहा हूँ और अपने साथियों को भी बचा रहा हूँ। इसी तरह आपके साथी जिस वक्त फिल्टर क्लिनिक में है तो जब वो आप ख्याल करेंगे तो वो अपने आप को भी बचा रहे हैं, अपने साथियों को भी बचा रहे हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम सब एफिशिएंसी के साथ काम करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। हमें ये नहीं पता कि ये पेंडेमिक कितने अरसे तक चलेगा, तो हमें स्मार्टली काम करना चाहिए। हमने अपने आप को जितने बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करके हम काम कर सकेंगे उतना ही हम सबका फायदा होगा। बहुत शुक्रिया।